ये जनाब देखिए खेत भी हैं जी रास्ते में, देखिए ये पंजाब की यानी रोड के देखें आप, ये खेत हैं जनाब रड़ी। बस हम पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में। ये जी हम रड़ी से थोड़ा सा आगे आए तो ये चौक आ जाता है बड़ा मशहूर, ये आपको मोहल्ला दिखा रहा हूँ ये वाला भी जी, बड़ी मशहूर मस्जिद है ये जो मैं अभी आपको ये दिखाने लगा हूँ। और ये भी व्यूवर की रिक्वेस्ट थी, उनकी पूरी करने लगे हैं हम, इन गलियों में हम आ चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं उमेर भट्ट एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूवर्स उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स उम्मीद करता हूँ आपको मेरा कल का जो ब्लॉग है वो भी पसंद आया होगा, जिसमें मैंने बंद फाटक दिखाया था वो भी एक व्यूवर्स की रिक्वेस्ट थी। तो आज के दिन भी इंशाल्लाह व्यूवर की रिक्वेस्ट पूरी करने लगे हैं। इन्होंने हमें रिक्वेस्ट की थी स्पेन से, और उन्होंने बोला भी था कि काफ़ी साल हो गए हैं हमें अपना इलाका देखे हुए, तो आज मैं आपको इनका इलाका दिखाने लगा हूँ। रंगपुरा का इलाका था ये और मस्जिद पंचतन पाक भी। तो आपने ब्लॉग पूरा देखना है और इसको शेयर भी करना है ज़रूर। तो आइए बिला तखीर अब चलते हैं। जी व्यूअर्स, इस टाइम मैं पहुँच चुका हूँ जी बन फाटक के करीब, और बन फाटक से बिल्कुल स्टार्ट पे ये एमसीबी बैंक आता है। एमसीबी बैंक से साथ ही हम राइट लेंगे तो ये रंगपुरा रड़ी की तरफ जाएगा, रंगपुरा चौक में भी यही जाके गली निकलेगी। तो पहले भी मैं यहाँ पे ब्लॉग बना चुका हूँ, लेकिन आज बड़ी दूर से एक रिक्वेस्ट थी कि हमें दिखाई थी वो रंगपुरा का एक दो उन्होंने जगह बताई है। अब मैं जाता हूँ जी, पूछ के जाऊँगा, लेकिन मुझे खुद नहीं पता। तो अब ये सारा जनाब रंगपुरा रड़ी से हम आगे आए तो ये आ जाता है बन फाटक, जो ये गली भी आ रही है, और अब इस टाइम रड़ी की तरफ जा रहे हैं। बड़ा अच्छा मौसम है जी सियालकोट में, अब सर्दी थोड़ी कम हो चुकी है, धूप बड़ी अच्छी निकल रही है आजकल। ये देखिए जनाब ये इलाका सारा जनाब रंगपुरा रड़ी का इलाका जी है, रड़ी से आगे आए ना ये सारा इलाका आपको मिलेगा, रंगपुरे में ही आता है ये भी। ये देखिए यहाँ भी फर्नीचर का काम हो रहा है। तो अभी जाते हैं आगे जनाब रड़ी तक जाके, फिर मैं आपसे बात करता हूँ, फिर आपको इलाका भी दिखाऊँगा जी सारा रंगपुरा का। ये जनाब देखिए खेत भी हैं जी रास्ते में, देखिए ये पंजाब की यानी रोड के देखें आप, ये खेत हैं जनाब रड़ी। बस हम पहुँचने वाले हैं कुछ ही देर में। ये देखिए ये जनाब आगे एक और चौक आ रहा है। ये जी हम रड़ी से थोड़ा सा आगे आए तो ये चौक आ जाता है बड़ा मशहूर, ये आपको मोहल्ला दिखा रहा हूँ ये वाला भी। ये देखिए ये चौक बड़ा मशहूर है जी, यूसुफ नान शॉप। और ये यहाँ से हम थोड़ा आगे जाएंगे तो रड़ी आ जाएगा। ये देखिए ये सारा मैंने आपको दिखा रहा हूँ रास्ते में जो जो आ रही है जगह। एक ये भी चौक आता है जी, ये बड़ा मशहूर चौक है, और स्कूल भी है यहाँ पे, दारा बरादरी कक्के जैया रंगपुरा शुमाली। ये देखिए ये कक्के जैया का इलाका ये जी, और यहाँ से घूम घुमा के जनाब गलियाँ बड़ी यानी बल खाती गलियाँ ये सारी। ये मस्जिद भी बड़ी प्यारी है जनाब ये, यहाँ से हम जा रहे हैं आगे रूबी स्वीट की तरफ, क्योंकि रूबी स्वीट से फिर आगे जनाब सारा इलाका मुझे पता है, इन गलियों का भी पता, पहले भी मैं यहाँ आया हुआ हूँ तो, लेकिन ये फर्स्ट टाइम पता है कि आगे किंगरा वाली जो रोड है वहाँ से ये गली का मुझे फर्स्ट टाइम पता चला है। यहाँ मेला भी लगता था जब ईद वगैरह हो तो यहाँ पर झूले वगैरह लगते हैं, और मैदान कहलाता है ये रंगपुरा का काफ़ी बड़ा। और ये घर भी देखे कितना पुराना है, ये देखिए। नए व्यूअर्स हम आ चुके हैं रंगपुरा रड़ी में, और यहाँ से जनाब रंगपुरा जो पूरा जो बाज़ार है वो शुरू हो जाता है। तो जो व्यूअर की रिक्वेस्ट है वो ज़रूर पूरी करेंगे इंशाल्लाह। आज पूछ लिया मैंने कहाँ पे मस्जिद है जी वो, और वो गलियाँ भी मैंने पूछ ली हैं यहाँ से। तो ये जनाब रूबी स्वीट, और रूबी स्वीट से ये जनाब आगे हम जाएँगे ऑनवर्ड आगे। ये रंगपुरा का जनाब मशहूर इलाका, ये बाज़ार आप देख सकते हैं सारा, ये देखें जनाब। तो आगे जाना है हमने स्वीट पैलेस तक, यानी वहाँ पे जाके आगे वो मस्जिद आएगी जहाँ अब नमाज़ भी पढ़नी है, नमाज का भी टाइम हो रहा है। ये जी ये भी मशहूर मस्जिद है यहाँ की रंगपुरा की, ये देखें ये वाली मस्जिद अंजमन दारुल उलूम जामिया सिद्दीकिया रंगपुरा।
बड़ी पुरानी तरीही मस्जिद है जी ये, और ये सामने कब्रिस्तान है रंगपुरा का, और आगे जनाब जनाजगाह है वो आगे जो बनी हुई है, और ये टैंकी देख सकते हैं आप पानी वाली। अब आगे सीधा आगे चलते जाएंगे हम। ये जी दरबार है यहाँ का रंगपुरा का, और ये जनाब एक ये गली जाती है, ये भी गली मैं दिखा देता हूँ, पहले नहीं था मैं आया इस गली में, जो मेरे व्यूवर्स यानी आउट ऑफ कंट्री में है ये वाली गली भी जनाब ज़रूर देखें रंगपुरा की। फिर हम आगे भी जाते हैं, ये देखिए जनाब ये खुली गली कहलाती है यहाँ की रंगपुरा की, खुली गली चौड़ी गली भी कहते हैं इसको, और रंगपुरा में सबसे जो खुली रोड है वो यही है, और किराने स्टोर भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। और सामने देखते हैं जाके आगे, और दार रकम स्कूल भी है। ये रंगपुरा का इलाका जनाब मैं दिखा रहा हूँ आपको सारा, ये देखिए जनाब ये, यहाँ से हम आगे चलते हैं अगली गलियों के अंदर। ये जी गली जाएगी उधर मस्जिद के पास, ये यानी मेन रोड जो है रंगपुरा का वो आपको पता सारा कमर्शियल है, और ये गलियों में मैं आया हूँ अंदर जो रंगपुरा की अंदरूनी गलियाँ हैं सारी, ये आपको वो गलियाँ दिखा रहा हूँ जी। आगे मस्जिद भी आ जाएगी, जो मुझे व्यूवर ने बोला था कि वो मस्जिद दिखाएं हमें उसी गली में। किराने स्टोर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पर, ये देखिएगा ईजी ग्रामर स्कूल भी है जी यहाँ पर, ईजी ग्रामर स्कूल, और वो मस्जिद है जी सामने जो व्यूवर ने बोला था मुझे, बस कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं। ले हैं जनाब हम आ चुके हैं उस मस्जिद में, यहाँ से भी गली काफ़ी खुली है, और ये देखिए फिल्टर भी लगा है इस गली में, तो मुझे स्पेशल बोला कि आता जी यहाँ का कि हमें दिखाएं। ये रंगपुरा का इलाका है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ जी, बड़ी मशहूर मस्जिद है ये जो मैं अभी आपको ये दिखाने लगा हूँ, और ये भी व्यूवर की रिक्वेस्ट थी उनकी पूरी करने लगे हैं हम, इन गलियों में हम आ चुके हैं। जामिया मस्जिद पंचतन पार्क, ये है जी वो जामिया मस्जिद पंचतन पार्क, ये देखें ये बड़ी प्यारी मस्जिद, काफ़ी बड़ी मस्जिद है, ये देखिएगा ये जनाब आगे गली में हम जाएँगे इस साइड पर, तो ये जनाब निकल आएगी बाहर इकराम स्वीट पैलेस के बाहर मेरा ख्याल है। ये देखिए ये गलियों में जनाब हम आ चुके हैं, ये जी सामने बिल्कुल हम आ गए रंगपुरा रोड के ऊपर। तो आज का ब्लॉग जी आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और आपकी रिक्वेस्ट भी पूरी की है हमने, और ये स्कूल है जी बड़ा मशहूर, और ये रंगपुरा चौक आ चुका है, सबसे बिजी चौक है जी सियालकोट का ये वाला रंगपुरा चौक, तो बड़ी यानी कह लें कि व्यूवर्स रंगपुरा के भी हैं जो मुझे देखते हैं, तो चलिए इस बहाने में आप उनको रंगपुरा मोहल्ला भी दिखाया, और ये रंगपुरा चौक भी दिखा दिया मैंने, और मस्जिद भी दिखाई है जी उनको, और वो गलियाँ भी दिखाई हैं। काफ़ी अर्सा हो गया था उनको यहाँ आए हुए, तो चलें इसी बहाने जनाब उन्होंने देख ली है। ले व्यूवर्स उम्मीद करता हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, तो चैनल आपने ज़रूर सब्सक्राइब करवाना है, जिन जिन की मैं रिक्वेस्ट पूरी कर रहा हूँ। तो अब शाम भी हो रही है, नमाज का भी टाइम हो रहा है, तो नमाज भी पढ़नी है, तो यहाँ से अब चलते हैं जी वापस घर जी। और उम्मीद करता हूँ मेरा आज का जो ब्लॉग है आपको पसंद आया होगा। आज के ब्लॉग में मैंने आपको जनाब मस्जिद पंचतन पार्क और रंगपुरा का इलाका दिखाया है, जो कि व्यूवर की रिक्वेस्ट थी, और जो बाकी व्यूवर्स हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट की हुई है उनकी भी इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने वाली हैं। कल इंशाल्लाह मैं लेके जाऊंगा आपको लंगड़े वाली, वो देखिएगा, और उसके साथ साथ बहुत सारे जो व्यूवर्स ने रिक्वेस्ट की हुई हैं एक हेवन बेकरी के पास हाजीपुरा में, वो भी इंशाल्लाह ब्लॉग करेंगे, उसके बाद अस्करी कलोनी 2 का भी ब्लॉग करेंगे, और इंशाल्लाह ये तमाम रिक्वेस्ट आपकी मैं पूरी करूँगा बहुत जल्द। तो आपने ब्लॉग मेरा देखते रहना है, और साथ ज़रूर शेयर भी किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हमारे चैनल पर आ सकें। तो इस दुआ के साथ कि खुश रहें आबाद रहें, एक नई और अच्छी वीडियो के साथ आपकी मैं दोबारा हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।